पीटीआई सरबराह इमरान खान कौमी असेंबली में वापस वञण जो इशारो ॾेई छॾियो। इमरान खान चयो आहे त निगरा सेटअप लाइ कौमी असेंबली में वापस वञी सघूं था, उन लाइ प्लान बि जोड़े वरितो आहे। कराची में पीटीआई जी नाकामी तंज़ीमी कमज़ोरी ऐं पीपल्स पार्टी जी धांधली जो नतीजो आहे। ज़मान पार्क में सीनियर सहाफ़ियुनि सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हाईंदे इमरान खान चयो त नून लीग जा एमएनएस राब्ते में आहिनि, पहिरियां संदनि टेस्ट वठी पोइ खेन पार्टी में शामिल कंदासीं, शहबाज शरीफ जूं निंडूं हराम कंदासीं। कौमी असेंबली में वापसी लाइ पीटीआई वारनि खे इस्तीफ़ाऊं वापसि वठणियूं पवंदियूं। वापसी ते खेन भलीकार चवंदासीं, असां पहिरियां बि पीटीआई वारनि खे चयो त असेंबलीज़ में वापसि अची सियासतदान बणिजो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर राणा सनाउल्ला जो इमरान खान जे बयान ते रदे अमल, संदसि चवणु आहे त पंजाब में बि पीटीआई वारनि जो हशर कराची जहिड़ो थींदो। सरदार अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा ऐं मोहम्मद नसीर खान मां कंहिं हिक खे पंजाब जो निगरा वॾो वज़ीर मुक़ररु कयो। चौधरी परवेज़ इलाही गवर्नर वलीगुर रहमान खे ख़त लिखी छॾियो। अपोज़िशन लीडर हमज़ा शहबाज़ पारां हेल ताईं नाला न ॾिना विया। नालनि ते इतफ़ाक़ न थियण जी सूरत में मामिलो पार्लियामानी कमेटी ॾांहुं वेंदो। कराची में बि तीर हली पियो। मकानी चूंडनि जे हेल ताईं आयल नतीजनि में पीपल्स पार्टी पहिरें नंबर ते, जमात इस्लामी जो ॿियो नंबर। इलेक्शन कमीशन मूजिब 235 मां 123 यूनियन कमेटीज़ जे आयल नतीजनि में पीपल्स पार्टी 58 सीट्स खणी सभिनी खां अॻियां आहे। जमात इस्लामी 31 सीट्स सां ॿिए ऐं पीटीआई 26 सीट्स खणी टे नंबर ते मौजूद। नून लीग 4 सीट खटे वरितियूं। जेयूआई, टीएलपी, एमपीएम पाकिस्तान ऐं आज़ाद उमेदवार हिकु हिकु सीट खणण में कामयाब। मलीर ज़िले जे 30 यूनियन कमेटीज़ मां 29 सीटूं पीपल्स पार्टी बुहारे वई। ॾखण ज़िले जे 26 मां 15 यूनियन कमेटीज़ ते पीपल्स पार्टी सुभारी। 9 सीट्स पीटीआई खे मिलियूं। लियारी जे 13 मां 11 सीटूं बि पीपल्स पार्टी खटे वरितियूं। हेल ताईं जे फीडबैक मूजिबि कराची में वाहिद ऐं सभ खां वॾी पीपल्स पार्टी आहे। पीपल्स पार्टी खे चूंडाइण ते पंहिंजे शहर जो थोराइतो आहियां, बिलावल भुटो सरदारी जो ट्वीट। बिलावल भुटो सरदारी चयो त सभु गॾिजी कराची खे ठाहींदासीं। तारीख़ में पहिरियों भेरो हैदराबाद जो मेयर बि जियालो आहे। पीपल्स पार्टी मथां एतमाद करण ते हैदराबाद वासियुनि जो थोराइतो आहियां। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सिंध में मकानी चूंडनि जे ॿिए मरहले पुरमान करार ॾींदे चयो आहे त सिंध जे अवाम मकानी चूंडनि में पीपल्स पार्टी ते एतमाद जो इज़हार कयो। हैदराबाद में 160 सीटनि मां पीपल्स पार्टी 140 सीटूं खटे चुकी आहे। इनशाला कराची मां बि 100 सीटूं खटी वेंदासीं। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर चयो त हैदराबाद में मेयर जो फ़ैसिलो पार्टी कंदी। जमात इस्लामी राब्तो कयो आहे, जेको बि कामयाबी माणींदो सिंध हुकूमत उन जी मुकमल हिमायत कंदी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी, पर अल्लाह ताला ने हमारी वो जो बात थी उसका भरम रखा और कराची के लोगों ने हमें वोट दिया। और वो जो खन्नास
पीटीआई के दिमाग में था कि कराची उनका है, वो निकला। जमात इस्लामी कराची शहर से सब काफी नशिस्तें जीती बैठी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे, लेकिन पीटीआई से बात करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इसलिए कि हम नहीं समझते कि पीटीआई से बात करके, मतलब बात करने का मतलब ये होता है कि हम उनके साथ अलायंस करें ना, तो पीटीआई के साथ अलायंस में जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बाकी जितनी जमातें हैं बशमूल जमात इस्लामी जिन्होंने कम कम सीटें ली, उन सबसे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी कराची में सब का बड़ी पार्टी बनती सामू आई है। हेल ती 100 सीटों खटे चुका है। सूबाई वजीर सईद गनी की दावा, कराची के मेयर लाए पीटीआई का सिवाय समूरन जमायतन से राबतन जो ऐलान। सईद गनी है तो मेयर लाए जमात इस्लामी समेत हर पार्टी से राबतो थी सके तो, पर पीटीआई से के भी गाल नतीजा देर से अचे पीपल्स पार्टी के भी गणती है। ख्वाहिश हुई तो एमक्यूएम मकानी चूंडन जो बायकॉट न करे। पीटीआई मकानी चूंडन दौरान धांधलिंग जो इल्जाम हणंदे अदालत वञण जो ऐलान करे छड्यो। अली सेदी चयो आहे त सभिनी ॾिठो त काल्ह कराची में कहिड़ी रीत बदतरीन धांधली कई वई। धांधली जा सबूत आहिनि जेके अदालत खणी वेंदासीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे अली सेदी इल्ज़ाम हयो त मकानी चूंडनि जा नतीजा तब्दील करण जी कोशिश कई पई वञे। सूबाई इलेक्शन पीडीएम जी ॿी टीम आहे। तो राज जो है मुख्तलिफ जो है स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से कुछ पोलिंग स्टेशन पे कोई धांधली का सिलसिला हो रहा है। मैं आपको यहाँ ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मॉनिटरिंग का बड़ा एक सख्त मैकेनिज्म रखा हुआ है और मुकम्मल तौर पे हमने ये प्रोसेस मॉनिटरिंग की हुई थी सारा का सारा। और तमाम डीआरओ साहिबान जिसमें कुछ हमारे अपने अफसरान भी थे, बाकी सिंध गवर्नमेंट के डिप्टी कमिश्नर्स थे, उनको सख्त हिदायत थी कि किसी भी अफसर ने अगर कोई कोताही की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब इस वक्त रिजल्ट जो है हमारे आरओ साहिबान के पास मौजूद है, वो तमाम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज शाम तक इंशाल्लाह हमारे तमाम कराची की जो यूनियन कमेटी 246 उसका रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर कराची में मकानी चूंड के नतीजे में देर सबब धांधली के इल्जाम के रद्द कर छोड़ो। एजाज अनवर चौहान है तो कराची के समूरन जूसिस जा नतीजा अज शाम ती अची वा कें भी ऑफिसर चूंड अमल में कोताही न कई किथे कोताही साबित थी सख्त कार्रवाई थी। कराची में गालाइंदे सूबा इलेक्शन कमिश्नर हर आरओ वट 5 यूसीज आहिन जिनके धार धार फॉर्म दियण में देर थी। धांधली लए रिजल्ट रोकण जो तासुर गलत आहे। पीपल्स पार्टी हैदराबाद डिवीजन में मैदान मारे वरतो। हैदराबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन की मेयरशिप पीपल्स पार्टी के मिलण जा चिटा इम्कान। गैर सरकारी ए गैर हतमी नतीजन मूजिब हैदराबाद डिवीजन में मजमूई तौर से पीपल्स पार्टी 921 सीटों खटे पहरे नंबर से मौजूद। पीटीआई 101 जमात इस्लामी 85 11 सीट से जीडीए कामयाब। 76 आजाद उम्मीदवार में कामयाबी माणे वरती। जामशोरो टंडो अलयार जिलों में भी पीपल्स पार्टी की कामयाबी। टंडो अलयार के 25 यूसी का 23 से पीपल्स पार्टी कामयाबी माणी। दादू म्यूनिसिपल कमेटी के 24 वार्ड में 18 से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सुधारा। बदीन म्यूनिसिपल कमेटी के 14 वार्ड में 12 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खटे वरता। छटो सिजावल जिलों में पीपल्स पार्टी अक्सरियत से कामयाब। मटियारी जिलो भी पीपल्स पार्टी फतह कर वरतो। चंडो मोहम्मद खान जिले में भी हुक्मरान जमात मुखालिफ उम्मीदवार के पोते छड़े दिनों।
सीनियर वकील आई सुप्रीम कोर्ट बार जो अगोणो सदर लतीफ आफरीदी पिशावर में कतल। पिशावर हाईकोर्ट के बार रूम में हथियार बंद लतीफ आफरीदी से फायरिंग कई। खेस गणती जोगी हालत में लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कयो वयो जिथे हुन दम ॾेई छॾियो। पुलिस वाके के जाती दुश्मनी जो नतीजो करार दींदे चयो त लतीफ आफरीदी के छह गोलियूं लगियूं। फायरिंग कंदड़ जवाबदार के गिरफ्तार कयो वयो आहे। जवाबदार एटीसी के मकतूल जज आफ्ताब आफरीदी जो भाणेज आहे जंहिंजो कतल केस लतीफ आफरीदी खिलाफ़ दाखिल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी पारां लतीफ आफरीदी जे कतल जी सख़्त मज़म्मत। वकीलनि पारां सुभाणे अदालती कार्रवाइनि जे वॉकआउट जो ऐलान। इलेक्शन कमीशन असासन जा तफ़सील जमा न कराईंदड़ 271 असेंबली मेंबर्स जी रुकनियत मुअत्तल करे छॾी। मुअत्तल थियल पार्लियामेंटेरियंस में एमएनए सेनेटर्स ऐं एमपीएस शामिल। असासन जा तफ़सील जमा न कराइण ते 136 एमएनए केपी असेंबली जे 54 सिंध जा 48 बलूचिस्तान ऐं सेनेट जे 12 मेंबर्स खे मुअत्तल कयो वियो। नौदेरो ऐं भरपासे में बदमनी चोट चढ़ियल। हिकु ई रात घरनि मां चोरी ऐं धाड़नि जा वाकिया। मज़ामत ते नौजवान क़तल ब ज़ख़्मी। पीरगोट में चोर पोरियत इनायत शेख जे घर में दाख़िल थिया। घर धड़नि जे सुजाॻ थियण ते हथियारबंदनि फायरिंग करे पोरियत कामराम शेख खे क़तल कयो। घर धणी इमराम शेख ऐं चौकीदार कमरदीन आरवाणी सख़्त ज़ख़्मी थी पिया। पोस्ट ऑफिस पाड़े में हथियारबंदनि पोरनि जो डॉक्टर सलीमुल्ला शेख के घर में धाड़ो। औरतुन ए बारन के यरगमाल बनाए 20 लाख रुपया रोक रकम 50 तोला सोन बो कीमती सामान फुर कर फरार। धारो में आजाद उम्मीदवार जो नतीजा न देने खिलाफ एसी ऑफिस आरो धरणो। कराची छटो रोड से धरने सबब ट्रैफिक मुअत्तल थी वही। फौरी तौर नतीजा फराहम करण जो मुतालबो। खैरपुर वेझो वैन कल्टी थियण जे नतीजे में औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 15 ज़ख़्मी। पुलिस मूजिबि वैन शिकारपुर खां नवाबशाह वञी रही हुई त हादसो पेश आयो। ऐं पहिरीं वनडे मैच में ऑस्ट्रेलवी विमेन टीम पाकिस्तान खे 8 विकेट सां शिकस्त ॾेई छॾी। 40 ओवर ताईं महदूद मैच में क़ौमी टीम 8 विकेट जे नुक़सान ते 160 रन ठाहियो। डॉक्टर लुइस सिस्टम तहत किंगरोज के मैच खटण लाइ 158 रन जो हदफ मिलियो। ऑस्ट्रेलवी टीम 28 ओवर्स में 2 विकेट से नुकसान से हदफ पूरो करे वरितो।